नमस्कार, न्यूज फॉर इंडिया में आपके साथ मैं हूं देबुश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। पाली के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 4 साल पुराने एक मामले में शिल्पा सोनी नामक लुटेरी दुल्हन और उसकी मां के खिलाफ संज्ञान लेते हुए 3 दिसंबर 2024 को आगामी सुनवाई पर तलब किया है। दरअसल शिल्पा पहले से शादीशुदा थी, लेकिन उसने बिना बताए पीड़ित दिनेश सोनी से दूसरी शादी की। आरोप है कि महिला व उसकी मां ने शादी के लिए दिनेश से 3.5 लाख रुपए, 20 तोला सोना व 300 ग्राम चांदी के गहने भी लिए और कुछ महीनों बाद ही शिल्पा ने घर से भागकर सुरेश चौधरी नाम के तीसरे शख्स से शादी कर ली। वही मामले की जानकारी होने पर पीड़ित पति ने न्यायालय की मदद से थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ने उल्टे पीड़ित पर ही FIR कर दी। सुनिए पीड़ित दिनेश सोनी का क्या कुछ कहना है। जिसकी शादी हो चुकी थी उसको भी बर्बाद करके आई, उसको भी लूट के आई, फिर मेरे साथ में शादी की धोखे से। फिर कुछ समय बाद 6 महीने मेरे साथ, मेरी 6 महीने में मेरे को पूरा बर्बाद कर दिया। मेरी दुकान थी गिफ्ट टॉयज की, उसी दुकान भी बर्बाद कर दी। दुकान को भी बिना बताए कुछ लेके जाती थी। वहीं पीड़ित के वकील ने बताया कि कोर्ट ने आरोपियों को 3 दिसंबर 2024 को मामले में तलब किया है। शिल्पा सोनी और उसकी मां सुमन सोनी ने 3.5 लाख रुपए लिए, 20 तोला सोना और 300 ग्राम चांदी लेकर के शादी की और शादी के कुछ समय बाद में दिनेश सोनी के घर से फरार हो गई और दिनेश सोनी को छोड़कर के सुरेश चौधरी नाम के तीसरे व्यक्ति से शादी कर ली। एक पहले हो रखी है, अब तीसरे पति के पास में अब रह रही है। फिर पीड़ित पति ने पुलिस थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो कोर्ट के आदेश से बाद में मुकदमा दर्ज हुआ। पाली से मुकेश राजा की रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर इंडिया।